तैयार पैसा प्लानिंग, ये है आज योर मनी की खास पेशकश वैलेंटाइंस डे के मौके पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा पार्टनर फाइनेंशियली कंपैटिबल होगा। और आज मेरे साथ इस कड़ी में है वॉइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तगी और साथ ही फाइनेंशियल प्लानर गौरव मश्रूवाला। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। तो गौरव जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, प्यार की बात है, दिल का मामला है, यहां पर दिमाग कैसे हम बीच में ले आए? न लाए तो बेहतर है, वैसे बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर हम अभी अपने प्यार को पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं या कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, तो ये फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी आखिर जरूरी क्यों होती है? देखिए, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी से ज्यादा जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी। अगर एक दूसरे की बात सुनते हैं शादी से पहले या बाद में, एक दूसरे के विचार क्या है, एक दूसरे की जरूरतें क्या है, तो फिर कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। दिक्कत ज्यादातर यही होती है कि सुनते नहीं है, या तो ईगो है तो मैं मेरी बात सब कह दूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं, या तो फिर आप आपकी बात अलग रखो, मैं मेरी बात अलग रखती हूं या रखता हूं, इसके लिए कंपैटिबिलिटी नहीं आती। जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे कि हम दोनों को सब जिम्मेदारियां साथ में निभानी है, फिर कंफर्टेबिलिटी आनी ही आनी है। हेमंत जी, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और विस्तार में आप हमें समझाइए कि जिम्मेदारियों को साथ में लेकर चलने का मतलब क्या है। अपने हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे लिए ये पार्टनर फाइनेंशियली कंपैटिबल है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियली कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे गौरव ने कहा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब भी देखिए किसी भी कपल में देखिए, जब पैसे की बात करते हैं तो सिर्फ इनकम की बात होती है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी पोजीशन क्या है। तो अगर लगा इनकम अच्छी है, पोजीशन अच्छी, तो लगा कि अभी जिंदगी ठीक से चलेगी, दोनों के दोनों अच्छा कमा रहे हैं, पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कपल में एक पार्टनर जो है वो केयरफुली स्पेंड करते हैं, दूसरा पार्टनर जो है बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड आपको पकड़ना है। वो मिडिल ग्राउंड कैसे आएगा? वो मिडिल ग्राउंड तभी आएगा जब आप खुल के ओपनली इस इशू के बारे में बात करेंगे, ना कि जब भी आप देखें ऐसा कोई इंस्टेंस जहां खर्चा कर रहा है एक पार्टनर, आप बोलें कि अभी ये खर्चा नहीं करना है, उससे काम नहीं चलता। वो बिट्स एंड पीसेज में जो डिस्कशन है वो कभी भी आपको सही रिजल्ट नहीं लाएगी। और मुझे लगता है कि अगर दोनों पार्टनर चाहते हैं एक दूसरे को सही मायने में प्यार करते हैं और चाहते हैं कि जिंदगी में इनको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो ये जो डिस्कशन है वो बिल्कुल ओपन एंड फ्रेंड डिस्कशन होनी चाहिए। उसके बाद ही आप देख पाएंगे। जहां तक देखने का सवाल है, देखिए जैसा मैंने पहले कहा, बहुत जरूरत है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, वो एक बहुत ही इग्नोर्ड एस्पेक्ट है। लेकिन इसको ये देखना कि अनकंपैटिबल है या नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको कुछ चीजें देखनी है कि आपका एटीट्यूड क्या है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, आप क्रेडिट कार्ड्स को कैसे देखते हैं, क्या आप बिलीव करते हैं कि आप लोन लेके एसेट पे एसेट बनाते जाएं, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा करें। तो कुछ एक चीजें हैं जो आपको उनकी, जैसा मैंने कहा, पेंडिंग हैबिट्स जो है वो देख के आपको समझ में आएगा एटीट्यूड कैसा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, वो तो है ही, एटीट्यूड आपका पैसे के लिए क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना सब अगर हम डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर के साथ या अगर इतने खुल के अपने विचार बताते हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, गौरव जी, तो आगे चल के आपकी जिंदगी कितनी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है? देखिए, बातचीत करने में ओपननेस आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, फिर तो कोई भी दिक्कत आएगी साथ मिलकर सुझा लेंगे। बिल्कुल। प्रॉब्लम वहीं पे होता है जहां पे या तो अहंकार बीच में आ जाता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगी, जितनी जरूरत है उतने पैसे मैंने रखे। कई किसे देखे गए हैं, क्लाइंट्स कितने ऐसे भी है, ईमेल वगैरह आते हैं जब लेक्चर्स होते हैं तो लोग कहते हैं हस्बैंड का एक बैंक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वाइफ का एक अलग है और फिर एक कॉमन अकाउंट है, दोनों पैसे डाल जाते हैं उसमें से खर्च होते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के खर्च के बारे में जो डायरेक्ट है उसके बारे में पता नहीं। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जिस दिन ये स्वीकार कर लिया कि हमें सभी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ख्वाहिशें हैं, जो तकलीफें आएगी वो साथ मिलकर सुलझानी है, और इसके लिए अगर डिस्कशन नहीं होता है या नहीं करते हैं किसी भी वजह, फिर परवरिश ऐसी हो या फिर दिमाग में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का जो फर्क है, स्वच्छंदता हो या कुछ भी हो, तो ये प्रॉब्लम आएगा। फिर अगर आप जो साथ मिलकर आपके जीवन के हर एक पहलू को साथ तो चाहिए, तो ये पहलुओं भी इतना ही साथ चाहिए, और इसके लिए बातचीत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, तो आप सुलझा नहीं पाओगे, दिक्कत तो आपको ही होने वाली है। या तो अभी आप डिस्कशन करें और एक प्रकार का माहौल बनाएं ताकि दोनों खुल के बात कर सके, खुद के विचार एक दूसरे के साथ बांट सके तो बेहतर है। अगर ये नहीं है तो फिर स्ट्रेस तो आपको ही होने वाला है। बिल्कुल। तो यहां पर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की का जिक्र भी किया गौरव ने, हेमंत, ये कितना आड़े आ जाता है आजकल की जनरेशन में अगर हम ध्यान दें तो? देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में ईगो एक ऐसा इशू है जो
काफी सारे रिलेशनशिप को खराब करता है, चाहे वो पैसा हो या यून अदरवाइज हो। तो आई थिंक जैसा हमने पहले भी कहा कि एक ओपन डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड क्या है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटीट्यूड एक ऐसी चीज है उसको चेंज करने में समय लगता है। और जैसा गौरव ने कहा कि अगर आप आज वो बात नहीं करेंगे तो देखिए हमारी जिंदगी में हमेशा बहुत कुछ हमें अचीव करना है, और मनी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं वो आप में डिफरेंसेस, कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर आता है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को खराब करता है। तो अगर आप शुरुआत से पैसे को सही अहमियत दें, उसको कैसे खर्चा करना, उसका इस्तेमाल कैसे करना, उस पर ध्यान दें, तो कोई कारण नहीं है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने पैसे से कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है जब आप वो कर पाएंगे तो आप खुश होंगे। रिलेशनशिप मुझे लगता है मनी जो है किसी भी रिलेशनशिप का एक बेसिक फाउंडेशन है। यस ऑफ कोर्स कंपेटेबिलिटी हर तरीके से होनी चाहिए, बट फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी जो है वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, और उस पर मुझे लगता है जितना ध्यान दें उतना ज्यादा अच्छा, और शुरुआत में जितना समय उस पर लगाएं उतना ज्यादा बेहतर है। क्या गौरव, लड़के के लिए और लड़की के लिए फाइनेंशियल कंपेटेबल पार्टनर की जरूरत अलग अलग होती है? नहीं, हकीकत में नहीं। हालांकि ये सोचते हैं कई दफे ये महिलाएं जो आती है या लड़की आती है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता चलता पैसे के बारे में, खर्च करना जान लेती हूँ लेकिन पैसे के बारे में पता नहीं चलता। हस्बैंड जो होता है उसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। हकीकत यह है कि दोनों को पता नहीं, एक स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे पता नहीं है, और दूसरा ये चाहता है कि मुझे ये सब सरफोड़ी नहीं करनी। ये दोनों चीजें सही नहीं है, क्योंकि अभी हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे, अभी न्यूक्लियर फैमिली जो है, विभक्त कुटुंब है, वही प्रथा बन गई है। तो फिर सबको, दोनों को साथ में मिलकर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको जानकारी हो या ना हो, प्रश्न तो साथ में ही सुलझाना है। तो फिर आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? मुझे कभी कभी ऐसा देखने को आता है कि महिलाएं कहती है मुझे ये सरफोड़ी नहीं करनी, और ऐसी महिला भी आती है कि मुझे जानकारी चाहिए लेकिन ये कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू छोड़ दे मैं संभाल। ये दोनों एटीट्यूड सही नहीं है। मैं कई दफे मेरे जो कपल्स के सेशन होते हैं वहां पर मैं वो एक कागज दे देता हूं और मैं कहता हूं चलिए जो अगर हस्बैंड एक्टिव है तो वाइफ को देता हूं, कई किस्में महिलाएं भी एक्टिव है फाइनेंस के बारे में, तो हस्बैंड को देता हूं। मैं को लिख लीजिए पांच चीजें, आपके चार्ट अकाउंटेंट का नाम और नंबर, इंश्योरेंस एजेंट का नाम और नंबर, म्यूचुअल फंड एजेंट का नाम और नंबर, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर का नाम और नंबर। नंबर नहीं पता है तो मोबाइल फोन में इतना लिख लीजिए, नहीं पता होता फिर क्या फायदा? तो फिर वहां पे अगर वो ही बेसिक पता नहीं, कल उठ के अगर वाइफ मैनेज कर रही है और उसको ही बीमारी हुई, वही अगर अस्पताल में है और हस्बैंड को पता ही नहीं कि एजेंट कौन है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, तो क्या फायदा उसका? और ये अगर कहीं ना कहीं प्रश्न आने वाला है तो प्रश्न के लिए क्यों इंतजार करते? सॉल्व तो करना ही है, तो फिर उसके लिए इंतजार क्यों करते? फाइनेंशियल डेट पे जाना चालू करते, पहले तो डेट पे जाते ही थे। बढ़िया कंसेप्ट है फाइनेंशियल डेट। हाँ, पहले तो जाते ही थे, तो अभी फाइनेंशियल डेट शादी के बाद भी कंटिन्यू रखे बहुत अच्छा रहेगा। वो हर तीन महीने में दो घंटा फाइनेंशियल डेट पे चले जाए। हाँ। वो दो घंटे की डेट रखे, चार घंटे की जो भी करना है वो करे, शादी के 10 साल 15 साल 20 25 साल फाइनेंशियल डेट पे जाए, और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है हर तीन महीने में दो घंटा दे दे। तो इस फाइनेंशियल एड पर अगर हम लगातार जाते रहे जैसा कि गौरव जी सजेस्ट कर रहे हैं, हेमंत जी, तो मुझे बताइए कपल कैसे एक दूसरे के लिए ढाल बन सकता है लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं तो? देखिए सबसे पहले अगर आप एक क्लैरिटी है, आप में ट्रांसपेरेंसी जैसे हमने पहले बात की, तो बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम जो आगे जाके बड़ी हो सकती हैं वो शुरुआत में ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आई थिंक जब ट्रांसपेरेंसी है, आपको मालूम है आप पैसे के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह से अपने पैसे को इस्तेमाल करने वाले हैं और कहां पे आपको लगता है, जैसे हम हमेशा बजटिंग की बात करते हैं, साथ में बैठ के अगर आप बजटिंग करें आपको मालूम है कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, दो दिमाग जब एक साथ काम करेंगे, इवन दो अगर आपको लगता है हम फाइनेंशियली सेवी नहीं है, उतनी बेसिक सेंस सभी को होती है कि ये खर्चा जो हम कर रहे हैं ये वाकई में इतना जरूरी है या नहीं जरूरी है। जब आप वो चीजें समाज शुरू करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं से वहां शुरुआत होती है, आपको पता चलता है किस तरीके से आप पैसा थोड़ा बचा सकते हैं, कहां से पैसा थोड़ा आप निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक, अगर आप किसी को देखना चाहते हो कि आपका एटीट्यूड पैसे के लिए क्या है और कंपेटेबिलिटी है कि नहीं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमेशा बात करते हैं, इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस की बात करो, कोई ना कोई पार्टनर ही बोलेगा ये पैसे क्यों वेस्ट करना, हमें तो कुछ होने वाला है नहीं। आई थिंक दैट टेल्स यू क्या किस तरीके का एटीट्यूड आपका रिस्क के लिए, अगर आप वो समझते हैं तो आप बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा कहते हैं जिस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट सक्सेस मिलनी चाहिए वो तभी मिलेगी जब आप दोनों साथ में बैठ के रेगुलरली करें। ये वंस इन ए ईयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक साल में एक बार बैठे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे आई थिंक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिंग का वो सेम है, सिर्फ ये कि आप दो लोग मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं, दोनों इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट है आपको वो एक बार नहीं बल्कि हमेशा सालों साल आपको मिलते जाएंगे। गौरव, आपने अपनी किताब योग्य वेल्थ में बहुत लिखा है।
है इस बारे में। फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी का भी आपने जिक्र किया है, इसे किस तरह से हम समझाएंगे? देखिए क्या होता है कि आजकल ये देखा गया है कि हम सेटल होने के बाद में शादी के बारे में बात करते हैं। हालांकि जरूरी ये है कि सेटल होने से पहले शादी होनी चाहिए ताकि जो सेटलिंग का पीरियड है, जो स्ट्रगल है, वो साथ में होगा तो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। शादी से पहले तो लुकिंग गुड कॉन्सेप्ट है ही। हाँ, वो लड़की को फंसाना है, वो लड़के को फंसाना है, तो लुकिंग गुड तो है ही, वो सभी में रहेगा, नेचुरल है। लेकिन अभी तो शादी हो गई, अभी तो कहीं नहीं जा सकते, तो अभी तो चर्चा करना चालू कर दो, क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी है कि साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो योगी क्वेश्चन में मैंने यही बात की है कि जब तक आप शादी जल्दी नहीं करोगे तो ये फाइनेंशियल कंपेटिबिलिटी का इश्यू और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर मेरी इनकम तुम्हारी इनकम, मेरी आमदनी तुम्हारी आमदनी, ये नहीं है, ये हमारी आमदनी है, हमारे खर्च है, हमारा निवेश है। अकाउंट्स की दृष्टि से, इनकम टैक्स के नजरिए से अलग अलग हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां है और हमारी ख्वाहिशें हैं, तो शादी से पहले जितना भी लुकिंग गुड है, अट्रैक्टिव है, जो भी करना है वो कर लो, शादी के बाद में। चलिए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी क्यों है इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन आपके लिए फाइनेंशियल कंपैटिबल पार्टनर कौन होगा, इसके लिए हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारी खास केस स्टडीज हमारे साथ। यॉर्मनी की खास पेशकश प्यार पैसा प्लानिंग में आपका फिर से स्वागत है, और अब हम करेंगे हमारी केस स्टडी से चर्चा और उन्हें बताएंगे कि उनके लिए फाइनेंशियली कंपैटिबल पार्टनर कौन होगा। हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुकी हैं कामना। हाय कामना, बताइए हमें अपने बारे में कुछ, आप क्या करती हैं? अभी मैं फिलहाल एक फैशन इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मैं 22 साल की हूँ एंड या आई एम अर्निंग अराउंड 18,000 पर मंथ। ओके, और आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के बारे में आपने अभी तक क्या सोचा है? अभी तक मैंने इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। मुझे करेंटली लाइक 50,000 पर मंथ कमाने वाला पार्टनर चल जाएगा। और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ओके, आपके खुद की इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? मेरी इन्वेस्टमेंट्स LIC और म्यूचुअल फंड। ओके, आप खुद करती हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। आपके पेरेंट्स करते हैं। और आप शादी का मन बना रही हैं कितने साल में? 5 साल बाद, अराउंड 5-6 साल बाद। ओके, गौरव आप बताइए, सबसे पहले 5 साल के बाद 50,000 तक का पार्टनर इन्हें चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इनको मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल को लेकर भी अपने, और इन्फ्लेशन को लेकर खासतौर से, तो यहाँ इनके लिए फाइनेंशियली कंपैटिबल पार्टनर कौन हो? आई एम श्योर लुक अपीयरेंस तो डिसाइड कर रखी होगी कामना, ऐसा दिखना चाहिए है ना, लेकिन कितना कमाना चाहिए? वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ले कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये अगर मतलब 50,000 की बात कर रहे हैं, तो अगर 50,000 की बात है तो 5 साल के बाद ये काफी मायने नहीं रखेगा, इन्फ्लेशन का रेट इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये उस तरीके से सोचे कि हम दोनों की आमदनी में से कितना पैसा बचा पाए, क्योंकि क्या होगा कि शादी के बाद भी कई दफे ऐसा समय भी आता है किसी एक की आमदनी नहीं है, कोई बीमारी है, तो एक प्राइस टैग लेके न चले। हालांकि ये जरूरी है कि जो एक्सिस्टिंग लाइफस्टाइल है वो हमें मेंटेन करनी है, लेकिन सिर्फ प्राइस टैग लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि जिंदगी में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। तो ये देख ले कि किस प्रकार की बेसिक लाइफस्टाइल चाहिए, और अच्छा लगे न लगे ये हकीकत है, जैसे हमारी परवरिश है उतनी बेसिक हमको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, नहीं तो मन में कहीं ना कहीं ये चलते रहता है। तो मैं फाइनेंस के लाइफस्टाइल के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये 50,000 आज की तारीख में है तो इसकी काफी ज्यादा अहमियत, मतलब जो अमाउंट है उसके रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाएगी, तो उस तरह से वहां पे देखें। और फिर ये भी तैयार रहे कि अगर कुछ भी आमदनी नहीं हो फिर भी हम लोग साथ में निभा लेंगे। बिल्कुल, तो उसके लिए प्यार करना पड़ेगा, बिल्कुल दिल से ही सोचना होगा, दिमाग से नहीं। हाँ, तो वो चलता नहीं है ना दोनों। हेमंत आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इनको अपने आपको भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के प्रति बढ़ाना होगा रुझान अपना। आई थिंक जैसा उन्होंने कहा कि ये एक पहला एस्पेक्ट आप देखना चाहते हैं कितनी इनकम होनी चाहिए, बट आई थिंक जैसा मैंने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों के जो एटीट्यूड है मनी के लिए क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके करियर के स्टार्ट में आप एक सर्टन अमाउंट कमाते हो, उसके बाद जाके आपको ये देखना है कि आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या है, किस तरीके से अपना पैसा खर्चा करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों के दोनों 5 साल के बाद भी काफी यंग होंगे, मुझे लगता है इनको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना दोनों को मिलकर, जो हमेशा बोलते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे
जगह स्थान पे होंगे ये, जहां पे इनको लगेगा थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। सबसे पहले इनको अपना आई थिंक वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना है कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, और जैसा मैंने कहा एटीट्यूड अच्छा हो, अगर वो सही है तो इनकम की एक स्टार्टिंग लेवल कुछ भी हो, आगे जाके आप जब इनकम बढ़ेगी तो सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, तो वो उनके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले काम ना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, और उसके बाद 50,000 तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आप अपने टारगेट रख सकते हैं। आपकी भी इनकम बढ़ेगी 5 सालों में, है ना? तो अब की बार आप जब डेट पर जाएं तो फाइनेंशियल डेट पर जाइएगा। तो कामना की तो हमने यहां पर फाइनेंशियल प्लान कर दी और उनको फाइनेंशियली कंपैटिबल पार्टनर बता दिया है, लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सरल सेठ और इनको बताएंगे कि इनके लिए फाइनेंशियल कंपैटिबल पार्टनर कौन होगी। बने रहे। प्यार पैसा प्लानिंग योर मनी की इस खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। जुड़ते हैं हमारी अगली केस स्टडी सरल सेठ से। सरल, स्वागत आपका। बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं और कैसी पार्टनर आपको चाहिए? मेरा नाम सरल है और मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के लिए काम करता हूँ, और मेरी एज 27 है। ठीक है, मुझे बताइए कि आप शादी करने का विचार कर रहे हैं और कितने साल में किस तरह के पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं? हाँ, पॉसिबली दिस ईयर में भी शादी होनी चाहिए बिकॉज। चलिए बता दें आपको फाइनेंशियली कंपैटिबल पार्टनर कौन होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। गौरव, सबसे पहले देखिए, ये साल शादी के बारे में सोच रहे हैं तो लगता है कि जाहिर है शायद लड़की ढूंढ ली हो उन्होंने। अगर नहीं ढूंढ, हाँ अगर नहीं ढूंढी है तो वैलेंटाइन्स डे भी आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन मिले, उससे खुल के बात करें किस तरह की उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। अगर वाइफ जो या प्रोस्पेक्टिव वाइफ है, अगर वो भी कमा रही है तो उसके बारे में भी जान ले, डिस्कशन हो जाए। सभी पहलुओं पर डिस्कशन होता है, शादी के बाद क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, इस पहलू पर भी डिस्कशन कर ले। आई थिंक थोड़ा सा जैसा गौरव का डिस्कशन करना कि दोनों के दोनों की इनकम क्या है, अभी तक उन्होंने क्या किया है। जैसे हमने पहले भी कहा कि हो सकता है आपकी इनकम स्ट्रीम जो अलग अलग हो, लेकिन जो आपके गोल्स हैं वो कंबाइंड है, कहीं ना कहीं दूसरे को समझना है। और अगर उन्होंने जैसे, क्योंकि शादी होगी, थोड़ा सा जैसे हमेशा बोलते हैं इमरजेंसी फंड बनाया कि नहीं बनाया, पहले उन चीजों पर ध्यान दें और आगे अपने पैसे से मिलकर क्या करना चाहते हैं। डिस्कशन थोड़ा समय लगेंगे तो मुझे लगता है आगे जाके कुछ भी इनको जो मनी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा समय लगाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर। जब भी आप अपने लिए पार्टनर फाइनलाइज करें सरल, तो आप बैठकर फाइनेंशियल डेट पर जाइए। यही सलाह आपको हम योर मनी की खास पेशकश देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पर आने के लिए। तो योर मनी में हमने आपको बताया है इस वैलेंटाइन्स डे पे अगर आप भी अनसिंगल होने का सोच रहे हैं तो लुक्स अपीयरेंस के अलावा थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, ट्रेंडी हो जाइए और फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी ढूंढिए अपने पार्टनर में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।